प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जो स्नेह प्यार मुझको दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे प्रोग्राम वीडियो को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब और फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने वीडियो के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊं, ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कराऊं। अगर यही स्नेह प्यार से आप मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो आप खुद अपने कुंडली देखने के ज्ञाता बन जाएंगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि आपको कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फोन पर कांटेक्ट करिए। उसके लिए कुछ आपको फीस अदा करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क अगर आप देंगे तो मैं पूरे कुंडली का विवेचन कर दूंगा। आप लोग के फरमाइश पे एक आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य शुक्र की युक्ति कुंडली में अगर है तो किस राशियों में क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, क्या प्रभाव देता है, क्या आपके लिए अच्छा बुरा होता है, कैसा देता है, कैसा नहीं देता है, मैं बताऊँगा। मैं आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की युक्ति बता रहा हूँ। जिसके कुंडली में मेष राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, पारिवारिक जीवन में विवाद बना रहता है, खर्चीले होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य और शुक्र की युक्ति हो, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति बहुत अच्छा उन्नति करते हैं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं, परंतु ऐसो आराम में के कारण कमाए हुए धन को बर्बाद कर देते हैं। जिसकी कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग संकित विचार के होते हैं, ऐसे लोग के माता पिता के विचारों से मेल नहीं खाता है तथा माता पिता से विवाद हमेशा बना रहता है, सुख कम मिलता है। जिसके कुंडली में कर्क राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, सांसारिक सुख अच्छा पाते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसकी कुंडली में सिंह राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ये ऐसे लोग टेक्निकल शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं और गुप्त विद्या के ज्ञाता बनते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग के चरित्र गिर जाते हैं, ऐसे लोग के पास शत्रु अधिक होते हैं, केस मुकदमा लड़ना पड़ता है, जेल भी जाने की संभावना। जिसके कुंडली में तुला राशि में सूर्य और शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग लव मैरिज शादी करते हैं, शौकीन होते हैं, महिला है तो योग पति पाती है, वो पाता है पाती है, पुरुष हैं तो शौकीन शौकीन पत्नी पाते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र शादी करते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होते हुए भी विचारों का मतभेद रहता है। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग को आँख से संबंधी कफ सर्दी खांसी संबंधी बीमारी होती है और ये जीवन में बना रहता है। जिसकी कुंडली में धनु राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तेजस्वी बनते हैं, कलाकार बनते हैं, लेखक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं। जिसकी कुंडली में मकर राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग पेट्रोलियम का, कपड़े का, उनका मकान संबंधी, जमीन संबंधी व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में सूर्य शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं,
ऐसे लोग को सरकार से अच्छा पद मिलता है, सम्मानित होते हैं और समाज में अच्छा यश कृषि करते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि का सूर्य शुक्र है, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग अपने जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, अधिकांश कार्य अपने जीवन में पूरा कर लेते हैं। इनके चौथेपन अच्छे जाते हैं, ये दयालु होते हैं, उदार होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, कई जमीन जायदाद वाहन के मालिक होते हैं और इनके संतान भी योग्य होते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, सूर्य शुक्र की युक्ति कि कुंडली में किन किन राशियों में अगर होता है तो क्या लाभ हानि देता है, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। नमस्कार।